हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम क्लास 9th 10th में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, पिछली जो क्लास हुई थी हमने 9th 10th की, उसमें पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश के परावर्तन के लिए सिर्फ हमको एक ही माध्यम चाहिए होता, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें कोई दो माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे होता है। सबसे पहले जानकारी करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब हमारा कोई एक दो माध्यम है, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है ना, कोई सघन विरल माध्यम में से सघन माध्यम में, यानी रेयर और डेंसर मीडियम होते हैं, या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है, तो वो क्या होती है कि अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से क्या है विचरण कर जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है, या तो वो सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाए, तो वो अपने पाथ से, अपने पथ पर से थोड़ा विचरण हो जाए, विचरण कर जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। यानी प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कोई एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में अगर हमारी प्रकाश की किरण जा रही है, तो वो अपने मार्ग से क्या विचलित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि दो माध्यम है हमारे पास। पहला माध्यम किसका वायु का, दूसरा माध्यम किसका है कांच का। तो एक हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है ना, ये कौन सी किरण है हमारी, आपतित किरण है। आपतित किरण जब हमारी प्रकाश जो उस पे, ये कौन सा माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम, ये कौन सा माध्यम है हमारा विरल, और ये कौन सा माध्यम है हमारा सघन। सघन से मतलब क्या है कि डेंसर मीडियम, यानी जिसमें कुछ डेंसिटी, डेंसर मीडियम क्या होता है हमारा, जिसमें कुछ डेंसिटी होती है या जिसका क्या होता है कुछ घनत्व होता है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। दूसरा मीडियम क्या है हमारा, रेयर मीडियम, यानी कि विरल। विरल में क्या है, डेंसिटी कम होती है, यानी हवा, एक हवा, एक माध्यम हमारा हवा है और दूसरा माध्यम हमारा कांच है। तो जब हमारी आपतित किरण वायु से होके कांच में जब निकल रही है, कांच के माध्यम में होके निकल रही है, तो वो अपने पाथ से जो एंगल बनाती है, यानी ये जो हमारा आपतित कोण बन रहा है, ये जो हमारा आपतित कोण बन रहा है और ये अपवर्तित कोण है, एंगल आई है हमारा आपतित कोण है और एंगल आर है, ये हमारा अपवर्तित कोण है। तो अपवर्तित कोण क्या है, वो कम हो जाता है, वो क्या हो जाता है हमारे नॉर्मल की, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। कब मुड़ता है, जब हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाती है, तो जो हमारा कोण है, अपवर्तित कोण है, वो क्या है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और जब हमारी प्रकाश किरण कांच के माध्यम में थी, यानी कुछ डेंसर मीडियम में से कोई रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो वो क्या करती है, अभिलंब से थोड़ी दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम में से होकर दूसरे माध्यम में होकर गुजरती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे भी अपने मार्ग से विचलित कर रही है, यहाँ पे भी अपने मार्ग से विचलित हो रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। इसके दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ये हमारा एंगल आई है, ये कौन सा कोण है हमारा, आपतित कोण है। ये हमारा कौन सा कोण है, आपतित कोण। और ये जो यहाँ पे आर बना हुआ है एंगल आर, ये कौन सा कोण है हमारा, अपवर्तित कोण। अपवर्तित, ठीक है। अब देखिए इसके नियम क्या है, इसके दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। बात समझिए, आपतित कोण, अपवर्तित, सॉरी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में रहेंगे, है ना। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन, यानी एक ही तल में रहेंगे, सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित रहेंगे,
ठीक है, एक ही तल बनेंगे। देखो हमारी आप इसी डायग्राम में देख लो या फिर इस डायग्राम में देख लो, दोनों डायग्राम से अच्छे से समझ लिया कि आपतित जो किरण है ये अपवर्तित किरण है ये, और जो हमारा अभिलंब है ये तीनों कोण आपतन बिंदु पर क्या है, एक ही तल में है। अच्छा ये पहला नियम है अपवर्तित का, अब प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु के अभिलंब, ये तीनों हमारे एक ही तल में रहेंगे। दूसरा नियम क्या है कि नहीं दो माध्यम के लिए, कोई दो माध्यम है, कोई से भी दो माध्यम होते हैं, कांच की जगह हमारा पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कि नहीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश, पहली बार क्या लिखी हुई यहाँ पे, एक ही रंग का प्रकाश, प्रकाश हमारा एक ही रंग का होना चाहिए, व्हाइट लाइट या कोई भी हो एक ही रंग का होना चाहिए, व्हाइट हो, ब्लू हो, येलो हो, रेड हो, कोई सी भी लाइट हो एक ही कलर की होनी चाहिए। दो माध्यम के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है, ये जो एंगल आई है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित किरण की जो ज्या है एंगल आर है ना, इन दोनों का हम क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात होता है, एंगल आई या हम क्या कहते हैं ज्या क्या कहते हैं साइन को कहते हैं, है ना, ज्या क्या कहते हैं साइन को। तो हमारी आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण की ज्या, यानी आपतित किरण की ज्या क्या है हमारी साइन आई और अपवर्तित किरण की ज्या क्या है हमारी साइन आर, ये दोनों क्या रहेंगे नियतांक रहेंगे यानी कॉन्स्टेंट रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे नियतांक रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ, इसी नियम को हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ कहते हैं, समझे। दूसरे अपवर्तन के दो नियम हैं, पहला नियम बता दिया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। दूसरा क्या है कि नहीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या हमेशा इनका अनुपात क्या है हमेशा नियतांक रहेगा, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं नियतांक कहता है, साइन आई और साइन आर क्या होता है हमारा नियतांक रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ। और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो हमारा एन है, जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर है, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है एम के, यहाँ पे एम क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक कहते हैं इसको, है ना। अब ये एम क्या है, एम तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, यहाँ पर आते हैं हम ए जी, अब यहाँ पे ए और जी क्या है, ये ए और जी लगा होता है, ये हमारा शो करता है दोनों माध्यमों को कि किस माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, ए कौन सा मीडियम है हमारा एयर और जी कौन सा मीडियम है हमारा ग्लास, तो ये दोनों माध्यमों को क्या करती है शो करती है ना। तो यहाँ पे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है हमारे अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू ए एन जी, ए क्या कौन सा मीडियम है हमारा एयर माध्यम है और जी कौन सा माध्यम है हमारा ग्लास यानी कांच का माध्यम है, ठीक है। तो जो कोई सा भी माध्यम हो, सपोज करो हम ले रहे हैं कि पहला माध्यम ले लिया हमने एयर टू वाटर ले लिया, तो यहाँ पे ए डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू कौन सा हो जाएगा हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या शो करता है, ये हमारे माध्यमों को शो करता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल की। देखिए प्रकाश की चाल हम एक बार ले रहे हैं वायु में, है ना, एक बार हमने प्रकाश की चाल को वायु में ले लिया और एक बार हमने किस में ले लिया कांच में, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगी, इन दोनों का अपवर्तनांक बनेगा, वो क्या बनेगा एम ए टू जी, एम क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, ए टू जी यानी ए क्या है हमारा एयर माध्यम है वायु और जी क्या है हमारा
कांच ग्लास बना देना है ना, ये क्या हो गया हमारा अपवर्तनांक हो गया प्रकाश की चाल का। अब देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में जानते हैं, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ दी लाइट रे, यानी लाइट रे की रिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि एक डायग्राम देखिए यहाँ पे, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, हर दो माध्यम है, एक रेयर माध्यम है एक डेंसर माध्यम है, यानी वायु और कांच, एक हमने कांच की स्लैब ले ली, कांच का टुकड़ा ले लिया। अब उसमें क्या करते हैं देखिए, यहां से एक हमारी रे आ रही है ना, यहां से हमारी प्रकाश की किरण आ रही है। एक चीज और समझ लीजिए कि एंगल के बारे में जानते हैं कि इन दोनों के बारे में एंगल में क्या होता है कि जब हमारी वाइट जो रे है लाइट रे है जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वहां पे जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर से बड़ा होता है, है ना, आपतित कोण अपवर्तित कोण से बड़ा रहेगा। और जब वो लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो एंगल आर बड़ा होता है हमारा एंगल आई से, जो अपवर्तित कोण है वो हमारा आपतित कोण से बड़ा रहेगा, है ना। ऐसे यहाँ पे बात करते देखिए, विरल माध्यम में से सघन माध्यम में हमारी प्रकाश किरण जा रही है तो एंगल आई क्या रहेगा हमारा बड़ा रहेगा एंगल आर से। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो अपवर्तित किरण है वो हमारे अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब सघन माध्यम में से विरल माध्यम में से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या है ऐसे आ रही है तो अभिलंब की तरफ ऐसे करके ऐसे झुक जाएगी, है ना। कोई किरण आ रही है हमारी प्रकाश किरण तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अगर सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना, अभिलंब से दूर हट जाएगी। उस कंडीशन में एंगल आर हमारा जो अपवर्तित कोण है वो हमारे आपतित कोण से बड़ा रहेगा। देखिए कि यहाँ पे ये किरण जा रही है, ये अभी हमारी आपतित किरण है, यहाँ से ये विरल सघन माध्यम में जैसे ही एंटर हुई तो इसका जो पाथ है जो मार्ग है वो बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ बेंड मुड़ गया, है ना। अब यहीं से ये रे निकल रही है, अब यहाँ से दूसरे एंड पे इसका पहला एंड हो गया, अब दूसरे एंड पे जब ये विरल सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या करेगी अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब से क्या है दूर हट के जाएगी, है ना, ये डायग्राम समझ में है जी। अब देखिए कि हम पहले इसका इस वाले बिंदु के लिए अपवर्तनांक बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा एन इक्वल्स टू ए टू जी साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण की ज्या, यानी कि एन जो हमारा अपवर्तनांक होगा ए टू जी हवा से लेके ग्लास में एयर टू ग्लास क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर, पता है आपको इक्वेशन वन नाम दे दिया इसको। अब देखिए इस बिंदु के लिए जब यहां से जो किरण निकल रही है पहले एंटर हुई फिर एग्जिट हो रही है, जब एग्जिट हो रही है रे तो वहां के लिए जो हमारा अपवर्तनांक है ग्लास टू एयर चलेगा, है ना, अब ग्लास में से एयर में जा रही है किरण तो क्या होगा साइन आर अपॉन साइन आई, है ना। यहाँ पे हम क्या लेंगे जो एंगल आर है ऊपर आएगा एंगल आई नीचे आएगा, है ना, साइन आर अपॉन साइन आई, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बाय वन एंड टू पहली और दूसरी इक्वेशन पे। अगर हम इसको ऊपर नीचे कर दें साइन आई को ऊपर ले जाएं साइन आर को नीचे ले जाएं तो ये वन अपॉन हो जाएगा, है ना, वन अपॉन हो जाएगा। तो वो ये है कि हमारा अपवर्तनांक ऑफ एयर टू ग्लास यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास इज रिवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर, मतलब क्या है इसका कि अगर हमारा वायु से कांच में अपवर्तनांक 2/3 आ रहा है तो कांच से वायु में अपवर्तनांक क्या आएगा 3/2 आएगा, समझे, रिवर्स हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। अगर हमारा एन ए टू जी बराबर 2/3 आ रहा है तो हमारा एन जी टू ए कितना आएगा 3/2, यही होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, ठीक है।
अब देखिए, अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। देखिए यहाँ पे परावर्तन आ रहा है, हम अपवर्तन पढ़ा रहे हैं, है ना, परावर्तन आ रहा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांति कोण क्या होता है, है ना। देखिए क्रांति कोण क्या होता है, क्रांति कोण सघन माध्यम में, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाता है। समझना, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। समझ में आया, देखिए आप इसको डायग्राम से समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पे तीन डायग्राम बने हुए हैं हमारे पास, है ना। ये जो हमारा पहला माध्यम है ये किसका माध्यम है, हमारा कांच का माध्यम है। ये किसका माध्यम है, कांच का। और ये जो दूसरा माध्यम है ये क्या है, हमारी वायु, है ना, कांच और वायु। तो ये क्या है, कांच। देखिए कि जब हमारी प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम में से सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही है, तो मैंने बताया था वो अपने अभिलंब से क्या है, दूर हो जाती है, है ना, अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कांच के माध्यम में से जब वायु में निकल रही है, दूसरे विरल माध्यम में निकल रही है, तो नॉर्मल से क्या है, दूर हो जाती है। और हमेशा जो एंगल है वो हमारा जो अपवर्तित कोण है वो आपतित कोण से बड़ा रहेगा। एक ऐसी कंडीशन आती है जब हम इस कोण को क्या करते हैं कि जो हमारा आपतित कोण है इस कोण को बढ़ाते चलते हैं, बढ़ाते चलते हैं, बढ़ाते चलते हैं, तो एक कंडीशन पे आके जो अपवर्तित कोण है वो हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आता है, एक ऐसा क्रिटिकल एंगल आता है, एक ऐसा क्रांतिक कोण आता है जिस जगह पे अपवर्तित कोण हमारा क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। बात समझ में, तो जिस जगह पे अपवर्तित कोण 90 डिग्री का हो जाता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। उसी कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया, क्रांतिक कोण क्या होता है, यानी सघन माध्यम में वह कोण जो अपवर्तित हमारा कोण है विरल माध्यम में, अपवर्तित कोण की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो हमारा कोण क्या कहता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है ना। अच्छा, क्रांतिक कोण समझ में है, ये लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। अच्छा, अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब सघन माध्यम में जो एंगल है हमारा आपतित कोण है वो क्या है, आपतित अपवर्तित कोण है 90 डिग्री से हो जाता है, उसके बाद भी हम आपतित कोण को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो वो जो आपतित किरण है वो आपतित किरण क्या है, अब 90 डिग्री तो हो गया, इससे आगे क्या बढ़ेगा, फिर बढ़ता नहीं है, फिर वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, फिर वो कोण अपवर्तित नहीं होता है, फिर वो कोण क्या हो जाता है, किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है और उसी माध्यम में विचरण करने लगती है, फिर क्या करती है, उसी माध्यम में रह जाती है वो रे, और फिर वहीं पे अंदर ही अंदर वो घूमने लगती है। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि वो किरण क्या है, पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों समझ में है। अब कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इनके बारे में इनके जो प्रैक्टिकल यूज क्या हैं और इनके ऊपर कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास।